भोपाल में गुरुवार सुबह से मौसम ने एक सुहाना रूप ले लिया। हल्की बूंदाबांदी के साथ धूप और छांव का खेल देखने को मिला, जिससे तापमान में भी गिरावट आई। पिछले कुछ दिनों से राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार ये पिछले 3 साल में सितंबर महीने का सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटों में भोपाल के कई हिस्सों में बारिश हुई। नीलबर्ग, न्यू मार्केट, एमपी नगर, नर्मदापुरम रोड और अरेरा कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। सुबह की बारिश के बाद दिन भर सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा, जिससे ठंडी हवाएं चलती रहीं। ये ठंडी हवा भी तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की वजह बनी। बुधवार को तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस था, जो गुरुवार को लुढ़क कर 31 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। भोपाल में मानसून के इस सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। वैसे भोपाल में मानसून के दौरान 37 इंच बारिश होती है, लेकिन इस बार 50 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस साल लगभग 33% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे प्रदेश के किसान खुश है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खंडवा, देवास, दक्षिणी सिवनी, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, दक्षिणी मंदसौर, झाबुआ और खरगोन जैसे जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मंदसौर, सिवनी, ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर में मध्यम गरज के साथ बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह भी बन सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी में बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। कई लोग इस मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, खासकर बच्चे जो बारिश में खेलने का मजा ले रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन ने उपाय किए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। ये बारिश न केवल तापमान को कंट्रोल करेगी, बल्कि जल स्तर में भी सुधार लाने में मददगार साबित होगी। कई किसान इस बारिश की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी फसलें बेहतर हो सकें। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भोपाल में हो रहे इन मौसम के बदलावों ने लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। इससे तापमान में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश वासियों को इस सुहाने मौसम का आनंद लेने का पूरा अवसर मिल रहा है।